to my favorite segment and that is the predictions. So yes, क्या predictions की थी कल हमारे panelists ने जरा उस पर नजर डालते हैं and then जो analyst points table है उस पर भी नजर डालेंगे. इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका एंड बेंगलुरु में कल ये मैच खेला जाएगा. यूसुफ, स्टार्टिंग ऑफ विद यू. हालांकि बहुत बुरा खेल रही है इंग्लैंड, लेकिन फिर भी मैं इंग्लैंड के साथ जाऊंगा. ओके, दिस इज अ ट्रिकी वन. लाला लाला से पूछे मुझे भाई एंड पे. लाला जी, लाला श्रीलंका. श्रीलंका, ओके ओके. श्रीलंका भाई, अब मुश्किल में पड़ गया. मुश्किल पड़ गया ना, अब फिर मैं बारिश में चले जाऊंगा. नहीं 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 नहीं, अब सही वाला भाई, सही. चलो इंग्लैंड इंग्लैंड. इधर जाए तो मसला, उधर जाए तो मसला. मुशी भाई, जिधर जाए उधर मसला. मसला ही मसला जी सामने. हम तो इसीलिए आज हमने बड़ा कल फोर्स किया था मुशी भाई को कि पाकिस्तान को ना चुने आप और साउथ अफ्रीका को चुन लें. बट यस, लुकिंग एट द पॉइंट्स टेबल, 34 पॉइंट्स के साथ यूसुफ इज इनफैक्ट एट द टॉप बिकॉज 34 पॉइंट्स के साथ दोनों लाला और यूसुफ दोनों जो हैं वो टाई हो गए उन दोनों के बीच में. यही मुकाबला चल रहा है. मुशी भाई तो नीचे बॉटम ऑफ द टेबल पे बैठ के 18 पॉइंट्स के साथ छक्के मारने के चक्कर में हैं. कोई छक्के मारे ऐसी सिचुएशन पे छक्के भी ना ना लगे तो फायदा कोई नहीं. फिर मुशी भाई ना T20 खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं छक्के चौके मारूंगा. मुशी भाई बेचारे पे ना घर से बहुत प्रेशर है. देखिए आज वो है नहीं जवाब देने के लिए, इसलिए आज हम कुछ नहीं कह सकते, वरना वो अपना जवाब खुद देंगे. बट यस, आज की अगर हम अब प्रेडिक्शंस की बात करें बिकॉज कल होना है दो मुकाबले. टुमारो वुड बी दी मेगा सैटरडे. वीकेंड में जो है वो पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, एक्सपेक्टिंग टू बी अ गुड मैच बिकॉज धर्मशाला में खेला जाएगा. कौन सी है आपकी टीम यूसुफ? टफ है यार. आई लाला से पहले लेना, मैं लाला के बाद देखता हूं. लाला आप बता दे आप काका. पैसे चलो मैं कह डिफेंसिव हो गया. न्यूजीलैंड चलो जल्दी डिसाइड करें ना. मैंने कह दिया लाला, मैंने बोल न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड यूसुफ भाई की न्यूजीलैंड होगी. लाला आपकी टीम न्यूजीलैंड जी. न्यूजीलैंड मुशी भाई की जगह हाफिज. आज न्यूजीलैंड की तरफ है. ओ हाफिज इमरान साहब, ये मुशी भाई की जगह कोई नहीं, 18 पॉइंट्स ही रहने हो आज. एंटी रॉबर्ट लगे हो. अच्छा जी, एक और मुकाबला होना है कल, क्योंकि ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, दो कल मैचेस होंगे. सो दूसरा जो मैच है दैट इज बॉटम ऑफ द टेबल पर टीम्स आपस में लड़ती रहेंगी. सो बांग्लादेश और नीदरलैंड्स होंगे एक दूसरे के आमने सामने. कोलकाता एडन गार्डन्स में खेला जाएगा ये मैच. योर प्रेडिक्शन लाला? बांग्लादेश जी. यूसुफ भाई सेम. बांग्लादेश. मुशी भाई हॉलैंड. ओ भाई नेदरलैंड्स यहाँ पे उन्होंने मुकाबले छीने. ये इस सीट का, ये मुशी भाई का फॉल्ट नहीं है, ये सीट का प्रॉब्लम है. बट यस, ये प्रेडिक्शंस जो है वो हमारे सामने आ गई हैं. बट नहीं, मुशी भाई की प्रेडिक्शंस जो है वो हम बिल्कुल आपको अपडेट जरूर करेंगे बिकॉज वी विल आस्क हिम द प्रेडिक्शंस एज वेल. सो दीज आर द प्रेडिक्शंस. एंड मूविंग ऑन फर्दर, लाला क्या पहले 10 ओवर आज के इस मैच को डिसाइड कर देंगे दैट विच वे टीम पाकिस्तान वुड बी गोइंग? पहले 10 ओवर तो ऐसे नहीं कह पाऊंगा आपको मैं, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन इस पिच के ऊपर स्पिनर्स से बहुत ज़्यादा है सवेरा. तो मैं स्पिनर्स के आने का इंतज़ार लाजमी करूंगा. और अर्ली ऑन आप बड़े बहुत अच्छा हो जाएगा अगर शुरू के 10 ओवर में नए बॉल से कोई एक आधा दो विकटें आ जाए, तो बहुत बोनस पॉइंट हो जाएगा. देखिए अगर अर्ली ऑन विकेट आ गई, एक आधा दो भी आ गई ना, एक भी आ गई चले, उसके बावजूद मेरा नहीं ख्याल कि स्पिनर्स को ना ये रन आराम से करने देने चाहिए. बल्कि मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है कि अगर शादाब, क्योंकि रन भी कर दिए हैं, कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा होगा, वो कंसिस्टेंट एक ही जगह पे बॉल करें, अगर वहाँ से आई नो कि वो अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देंगे साउथ अफ्रीकन, वो वहाँ से उसको छक्के चौके बाउंड्रियों की तरफ भी मारेंगे, लेकिन कोशिश ये करें कि कंटिन्यू वहीं पे बॉल करें, डर के बॉल ना करें, खुले दिल से बॉल करें, आउट करने के लिए करें, यकीन माने आउट हो जाएंगे. इंशाल्लाह. फील्ड प्लेसमेंट भी बड़ी मैटर करती है, हमें बॉलर्स उसके अकॉर्डिंगली फील्ड प्लेसमेंट भी देनी होगी. सर भाई लाजमी बात है कि जो फील्डर बॉलर जो फील्ड मांग रहे हैं वो दे देनी चाहिए, क्योंकि बॉलर्स ने बॉलिंग करनी है. और मेरा ख्याल है ऐसे ही होता होगा. ये नहीं कि मेरा मकसद है कि अगर शादाब कुछ फील्डिंग मांग रहा है और बाबर को, ये नहीं हो सकता. जो वो फील्डिंग मांग रहे होंगे वही दे रहे होंगे. मना नहीं कर सकता कप्तान?
नहीं मेरा नहीं ख्याल बहुत यंग लड़का हो उसको वो समझा सकता है कि यार अभी ये नहीं अभी ये ले लो और बहुत क्रंच सिचुएशन में अगर मैच फंसा हुआ हो और बॉलर के मुझे ट्रस्ट है कि मैं ये कर सकता हूँ बट कप्तान के नहीं मत करो नहीं मेरा नहीं ख्याल ऐसे होता है बॉलर की माननी पड़ती है और करते हैं लोग सारे ऐसे ही करते हैं बहुत कम चांस होता है कि कोई मैं बॉलिंग कर रहा हूँ मैं बॉलर हूँ नहीं कोई बेवकूफ़ी वाली बात कर दूँ बात है वरना बॉलर्स की बात मानी जाती है क्योंकि बॉलिंग तो उन्होंने करनी है और ये तो मैं मकसद ऑब्वियसली है कि आप जो बॉलर है जो बॉलिंग करने वाला है उसको पता है कि वो कहाँ बॉलिंग कर रहा है उसको कहाँ फील्ड चाहिए हाँ यहाँ वो फील्ड वहाँ जहाँ फील्ड ली वहाँ बॉलिंग नहीं कर रहा फिर कप्तान जाता है पास कि यार यहाँ तो यहाँ फील्डर ले लो या यहाँ बॉलिंग कर लो फिर इस तरह बात हो सकती है लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो बॉलर को नहीं यार मैं फील्डिंग खड़ गई ऐसे नहीं होता मतलब एक सीनियर हाई स्टैचर अगर ऐसी बात नहीं लेट्स से मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूं कि बिकॉज़ हारिस वाज वेरी एक्सपेंसिव दैट डे हम अफगानिस्तान की अगर बात करें तो हारिस ने बहुत रन एक बात यहां पे मैं आपको रोक देता हूं माजद के साथ इफ्तिखार को पहला ओवर दे दिया जो हम बात कर रहे थे यानी कि आज टीम पाकिस्तान किसी मूड में दिखाई दे रही है अब आप कंटिन्यू कीजिए मेवन साहब की जो है ना वो डायरेक्ट फोन कॉल पे मुझे लगता है बात हुई है मुशी भाई नहीं है तो फिर ये भी गुजर है वो भी गुजर है तो अब ये पीर है हाफ पीर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे छोड़ गए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ऑन स्क्रीन मुझे मेमन कहा जा रहा है आप गुजर अनाउंस कर रहे आप डुअल नेशनलिटी लाला अ गुड अप्रोच स्टार्टिंग ऑफ विद इफ्तिखार अहमद आई एम वेरी हैप्पी बहुत अच्छा डिसीजन है स्पिनर्स के साथ जाने का मैं खुश हूँ रिजल्ट जो भी है लेकिन एटलीस्ट उनकी इंटेंशन नजर आई है गुड मैचअप की क्रिकेट हम बात कर रहे थे नेदरलैंड्स प्लेड दोस मैचअप की क्रिकेट दे स्टार्टेड ऑफ विद स्पिनर्स एज वेल उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्पिनर्स के साथ शुरू किया था पर्चे थे बाकायदा उनके हाथ में देखिए इस वर्ल्ड कप में अगर किसी पाकिस्तानी स्पिनर ने सबसे ज़्यादा अच्छी लाइन पर कंट्रोल के साथ गेंद किया है एक्यूरेट था जो बहुत ज़्यादा वो इफ्तिखार थे उनको सबसे कम गेंदें ज़रूर मिली कप्तान ने उनको बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई लेकिन यहाँ पर इफ्तिखार ने वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से मुतासर ज़रूर किया विकेट्स भी लिए रन्स भी रोके उस एतमाद को देखते हुए और फिर पिच में टर्न को देखते हुए और फिर जब मैचअप्स की बात आप करते हैं तो उसको देखते हुए एक फ़ैसला ज़रूर साबित बेहतर हो सकता है लेकिन क्या कोई नया गेंद है वैसे नवाज़ जो हैं वो नया गेंद करने का तजुर्बा वो ज़्यादा बेहतर रखते हैं उनके साथ भी कप्तान जा सकते थे लेकिन क्विंटन डिकॉक को देखते हुए मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने ये फैसला किया होगा कि हम चूंकि लेफ्टी है असल मसला पाकिस्तान को डिकॉक की तरफ से आना है क्योंकि अगर वो लंबा खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल ज़रूर हो सकती हैं ये जो रन्स ऑन बोर्ड हैं जैसे अभी सऊद ने पिच के बारे में बताया ये रुकने वाले तो नहीं है ये विकटें लेकर पाकिस्तान ने मैच जीतना है कंटेन करने से तो मैच नहीं जीता था बिल्कुल एंड इफ्तिखार ट्राइंग आउट थिंग्स ऑब्वियसली पहली बॉल जो उन्होंने की वो वाइड हुआ और वाइड पे जो है वो चौका भी एक मिल गया साउथ अफ्रीका को बट यस हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि इतना एनिमेटेड बाबर आजम को भी नहीं होना चाहिए ही शुड बी काम एंड कंपोज बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू तो ठीक है थोड़ा सा मार्जिन और स्पिन भी देख रहे हैं यूसुफ भाई हम विकेट पे स्पिन हो रहा है इफ्तिखार का गेंद स्टार्ट में देखिए मगर स्पिन हो रहा है तो पाकिस्तान को ये चांस है अगर स्पिन नहीं होता और पेसर के लिए भी कोई हेल्प नहीं है तो फिर 270 आजकल के दौर में कुछ भी नहीं है बिल्कुल आप समझेंगे ये 210 या 20 रन्स हैं कन्वेंशनल क्रिकेट के हिसाब से विकेट्स 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 गेट द विकेट्स दैट वुड बी द की बिकॉज़ साउथ अफ्रीकन्स को अगर वो सेटल हो जाते हैं तो उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है आप लोग का फेवरेट जो सेगमेंट है उसको हम अब एड ऑन करते हैं #AskZKJ की करते हैं तो यस #AskZKJ में सबसे पहले क्या है हमाद हसन का सवाल है जी अस्सलाम वालेकुम लाला लाला क्या पाकिस्तान को नेक्स्ट मैच में फखर जमान को खिलाना चाहिए अभी तो ये वाला मैच तो खत्म हो गया वाह क्या नाम इस इसका नाम के हमाद हसन हमाद अभी फिलहाल आज का मैच हो जाए इंशाल्लाह देखते हैं क्या रिजल्ट आता है एंड देन आज एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं सही नेक्स्ट है जी बाबर खान मुशी भाई शाहिद भाई यूसुफ भाई से सवाल मैच तो हम हार ही रहे हैं क्या हम आउट ऑफ द बॉक्स जाते हुए हारिस रऊफ की जगह जमान खान और शादाब या नवाज की जगह बरार को खिला सकते हैं ये सबसे सवाल किया जो पहले तो इंजरीज किसी को होंगी तो वो अंदर आएंगे ना बिल्कुल दोनों तो 15 में है ही नहीं बिल्कुल ना जमान है ना अबरार है तो पहले तो बुखार कराने पड़ेंगे बुखार कराने पड़ेंगे पहले डेंगू मच्छर उनके कमरे में छोड़ना पड़ेगा अच्छा जी क्रिप्टो BTC यहाँ पे कहते हैं पाकिस्तान तो ऐसे खेल रहा है जैसे ये टेस्ट मैच खेलने आए हैं और इनको जबरदस्ती खिला रहे हैं क्रिकेट कोई फिटनेस नहीं सब बस खानापुरी करने आए खानापुरी हैं करने कोई आए भी हैं। पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा सब अपने लिए खेल रहे हैं और रिश्तेदारी और दोस्ती चल रही है टीम में बस बहुत गुस्से में है लाला ये
थोड़ा सा गुस्सा कम कर दें। क्या नाम है भाई का हमारे दोस्त? क्रिप्टो, क्रिप्टो बीटीसी के नाम से अकाउंट है। तो अपना नाम नहीं है कोई। क्रिप्टो आजकल डाउन जा रही है तो शायद वो गुस्सा यहाँ पे निकालो। अपने क्रिप्टो, क्रिप्टो पे फोकस करो यार। क्रिप्टो पे फोकस करो। थोड़ा सा जरा मेरे ख्याल से गुस्से को रोका जाए। बट यस, गुड लक टू टीम पाकिस्तान। आई होप वी डू बेटर, आई होप आवर स्पिनर्स डू बेटर, व्हाट वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग। एंड लेट्स सी कि क्या पाकिस्तान खुद को इस वर्ल्ड कप में अलाइव रख पाती है कि नहीं रख पाती। विद दैट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया और जाते जाते उमर, sparks.pk को आपने विजिट करना है। इस वेबसाइट के जरिए कोई भी स्मार्टफोन या एक्सेसरीज अगर आप खरीदते हैं तो आप लकी विनर्स की उस रेस में शामिल हो जाएंगे जिसे मिलेगा वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के मौके पर एक ग्रैंड प्राइज। तो आपने sparks.pk को विजिट करना है और कोई भी शॉपिंग करनी है तो इस वेबसाइट पर। जल्दी से जो है बस आपको टाटा बाय बाय। सवेरा और उमर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।